आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश से केंद्र सरकार के अंतर्गत चल रहे पावर प्रोजेक्ट से संबंधित पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री बोले कि पूर्व प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी संसाधनों को बेच डाला। जो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो पूर्व सरकार के कार्यकाल के ही चल रहे हैं, पर विडंबना यह रही कि उन्होंने प्रदेश के हित को दरकिनार करके पानी तक को बेच डाला। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। जिस तरह अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में कोई फैसला नहीं कर पाए और 1000 करोड़ रुपए अब हमको देने की स्थिति में आना पड़ा। अब ये जो पावर प्रोजेक्ट्स है ये इनके समय के पावर प्रोजेक्ट है। और देखिए विडंबना किस प्रकार प्रदेश के इंटरेस्ट को बेचा गया। और मैं एक एक चीज आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि आप भी सुनिए और ध्यान से देखिए। हमारा जो लोरी प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया, देश के प्रधानमंत्री हम उनका सम्मान करते हैं। और जो एमओयू हुआ, इंप्लीमेंट एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, एमओयू हुआ। और एमओयू में कैसे प्रदेश का इंटरेस्ट बेचा गया, 12% फ्री पावर यूनिवर्सल है जो मिलती है। उसके बाद 2006 में मैडम स्टोक्स बिजली मंत्री थी, उन्होंने उसमें चेंजिंग लाई और हमने 12, 18, 30 और अपफ्रंट फीओं की योजना लेकर हम लाए। लेकिन इन चार प्रोजेक्टों में पिछली सरकार ने, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, लोरी प्रोजेक्ट है उसमें हमको 10 साल बाद 4% बिजली मिलेगी। कितने साल बाद? 10 साल बाद। और 11 से 25 साल बाद हम पहुंचेंगे, जब 11वें साल में और जब वो फ्री हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो 8% मिलेगी। और जो 26 से 40 साल के बीच में 12% मिलेगी। दोलासीत पावर प्रोजेक्ट्स में हमें 66 मेगावाट मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, 12% बिजली 26 से 40 साल के बीच में मिलेगी। लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट दे दिया आपने और लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट में हमें लाभ में 25% बिजली मिलेगी। सुन्नी में सिर्फ 12% बिजली मिलेगी थ्रू आउट लाइफ, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट पर कोई अधिकार नहीं था, 12, 18, 40 की पॉलिसी को भी बदल दिया। और जो लाडा मिलता था वो CSR के तहत मिलता था, 1.5% लाडा। और जो 50% GST था, जो स्टेट का 9% कंपनसेशन था, वो भी आपने माफ कर दिया। और डूगर प्रोजेक्ट में भी जो NTPC के पास है, ये SJVN के साथ समझौता हुआ है, जो NTPC के पास है, मतलब हमारी संपदा पानी, हमारी वेल्थ जिससे हमें, हम अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उस संपदा को हमने बेच दिया। और उसमें मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई इंप्लीमेंट एग्रीमेंट किसी में नहीं हुआ। हमारी सरकार आई, मजबूती से दिल्ली में पक्ष रखा। और अभी मनोहर लाल खट्टर जी जैसे ही बने, मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि हम लूरी को भी टेक ओवर कर लेंगे, सुन्नी को भी टेक ओवर कर लेंगे और धोला सिद्ध को भी टेक ओवर कर देंगे। हमारी सरकार प्रदेश के लोगों के हित को बिचने नहीं देगी जो पिछले बीजेपी की सरकार ने बेचा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बातचीत जारी है, हमने टेक ओवर की प्रोसीडिंग स्टार्ट की, ये कोर्ट में चले गए। हम माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान करके अभी चुप है। अभी हमारी कैबिनेट ने फैसला किया कि पहले 12 साल में हम 12% लेंगे, 12 से 30 साल में 18% लेंगे, 30 से 40 साल में 30% लेंगे और 40 साल बाद ये सारे प्रोजेक्ट हम अपने पास वापस लेंगे। आपने तो जिंदगी भर के लिए दे दिया, 12% फ्री पावर भी नहीं ली। अभी हमारा जब माननीय मंत्री जी से बातचीत चली, अब एक समझौते पर उनकी सहमति बनती आ रही है कि हम 12% आपको देने को तैयार। ये सरकार की कमिटमेंट होती है। हर जगह हिमाचल के इंटरेस्ट को बेचा गया। पिछली सरकार ने, जयराम ठाकुर जी ने, क्योंकि उन्होंने वॉकआउट करना था, मैं चाहता हूं कि वो आए अंदर, शराब के ठेकों को उन्होंने किया, अब ये अटल यूनिवर्सिटी का, अब ये है। और एक और मैं कहना चाहता हूं आगे, और आपको ये कहना चाहता हूं, अगर हमारी शर्तों के हिसाब से ये समझौता नहीं हुआ, 12, 18, 30 पर समझौता नहीं हुआ, हमारी सरकार इन तीनों प्रोजेक्ट को, जिसमें SJVN ने टेक काम शुरू कर दिया, कई जगह कह रहे हैं 60% हो गया, हम टेक ओवर करेंगे।